18 अगस्त को जन्मे व्यक्तियों में आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, उत्तेजना, स्वतंत्रता, दबंगपना ऐसे गुण विद्यमान होते हैं। इसी कारण ये लोग एक अच्छे खिलाड़ी साबित होते हैं। पुलिस हो या सेना फोर्स, ये लोग किसी बड़े पद पर हो सकते हैं या राजनीति में हो सकते हैं या फिर भवन निर्माण के कार्यों से जुड़े हो सकते हैं। उदार हृदय होते हैं, लेकिन इनका कोई विरोध करता है तो उनके लिए कठोर भी साबित होते हैं। धन कमाने की इनमें अभूतपूर्व योग्यता होती है। सबको एकजुट करके रखने की योग्यता इनमें होती है। हर काम को अपने ही ढंग से करना पसंद करते हैं। जहां तक भौतिक सफलता या अधिकारों की बात है, ऐसी कोई ऊंचाई नहीं जहां पर ये लोग ना पहुंच सकते हों। मिस्टर परफेक्शनिस्ट की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं ये लोग। जो भी काम करते हैं परफेक्शन के साथ करते हैं। पहली बार में अगर अच्छे से कंप्लीट नहीं होता, उसमें नाकामयाब हो भी जाते हैं तो निराश नहीं होते हैं। अपनी कमियों को ढूंढते हैं, फिर उस पर काम करते हैं, उस काम को पूरा करने में जुट जाते हैं। तब तक शांत नहीं बैठते हैं जब तक उस काम को पूरा नहीं कर लेते, अचीव नहीं कर लेते, जी जान लगा देते हैं। लाइफ के सभी बड़े फैसले खुद से लेते हैं। अपने काम में, अपने लाइफ के पाथ के लिए फोकस्ड रहते हैं। काफ़ी डिटरमाइंड होते हैं लोग, बहुत ही कमिटेड पर्सन हैं। अपना कमिटमेंट हर हाल में पूरा करते हैं। स्वार्थ की भावना इन लोगों में बिल्कुल भी नहीं होती है। बहुत ही लॉयल पर्सन है ये। पैशनेट हैं, सपोर्टिव नेचर है। अपने रिलेशनशिप के प्रति ईमानदार रहते हैं, कमिटेड रहते हैं। अपने पार्टनर की हर जरूरत का पूरा ख्याल रखते हैं। इसीलिए ये लोग एक अच्छे दोस्त साबित होते हैं। आप लोग एक अच्छे दोस्त साबित होते हैं, एक अच्छे इंसान साबित होते हैं। फिर भी जब बात पार्टनरशिप की आती है, दुनियादारी की आती है, वहाँ पर आपके वैचारिक मतभेद के साथ साथ टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। ये कह सकते हैं कि आप लोगों को पार्टनरशिप सूट नहीं करती है। अब वो चाहे आपका बिजनेस फील्ड हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ, शुरुआत अच्छी होती है लेकिन एक समय के बाद स्थिति बिगड़ने लगती है और एक लंबे अंतराल के बाद अलगाव की स्थिति तक भी पहुँचते देखा गया है। जहाँ एक तरफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अचीवमेंट्स देखने को मिलती है, लोगों से मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, धन आप सब प्राप्त करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी खराब सिचुएशन देखने को मिलती है। आप दुनियादारी को, दुनिया की पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाते हैं, षड्यंत्रों को समझ नहीं पाते हैं। आप सिर्फ अपना कर्म करना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना जानते हैं, निस्वार्थ रूप से मदद करना जानते हैं। लेकिन जब आपके लिए मुसीबत की घड़ी आती है तो कोई आपकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। आप अकेले ही अपना रास्ता खुद बनाते हैं। इन लोगों में शारीरिक गुणों के साथ साथ बौद्धिक क्षमता भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। जहां एक और ये आपको सभ्य नजर आएंगे, उच्च शिक्षित, कलात्मक क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए, रोमांटिक होंगे, पैशनेट नजर आएंगे, तो जरूरत पड़ने पर ये लोग निर्भयी और दबंग प्रवृत्ति भी अपना लेते हैं। मेहनती खूब है, खाली नहीं बैठ सकते, रिस्क टेकर हैं, अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं, जीवन में विषम परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानेंगे। इनका पूरा जीवन ही घटनाओं से ओतप्रोत रहता है। अपने पुरुषार्थ से ही से ये स्वयं धन अर्जित करते हैं। धन भी खूब कमाते हैं और नाम भी खूब कमाते हैं, लेकिन काफी कड़े संघर्षों और उम्र के एक लंबे पड़ाव के बाद। 18 के अंक वाले लोग काफी एनर्जेटिक होते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं, इसीलिए ऐसे लोग स्पोर्ट्स की दुनिया में भी ऊंचाइयां छूते देखे गए हैं। ये लोग खाली बिल्कुल नहीं बैठ सकते, हर समय कुछ ना कुछ काम ये करते रहते हैं, किसी ना किसी बात में ये अपने आप को बिजी रखते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं निकलती भी रहनी चाहिए, अदरवाइज ये लोग फिजिकली या फिर मेंटली प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। अगर ये लोग अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाते हैं, इन्हें अपनी लाइफ का पाथ जल्दी समझ में आ जाता है, तो ये अपनी लाइफ में बहुत जबरदस्त ऊंचाइयां छूते देखे गए हैं। 18 के अंक वाले लोग एक ऐसी एनर्जी लेकर पैदा हुए हैं जो इन्हें, अगर इन्होंने अपने आप को पहचान लिया तो सोना है, वरना ये मिट्टी है। 18 अगस्त को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 9। 9 का अंक यानी मंगल की एनर्जी, लेकिन 9 के इस अंक में 1 और 8 के अंक की एनर्जी भी शामिल है। 1 का अंक यानी सूर्य देव का, सूर्य यानी कि लीडरशिप क्वालिटी, हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी विल पावर, डिटर्मिनेशन।
शनि आठ का अंक जो कि हमारे संघर्ष को दिखलाता है, हमारी मेहनत को दिखलाता है, हमारा पुरुषार्थ दिखलाता है और यही हमारे दुख का कारण भी बनता है। सूर्य और शनि से मिलकर बना है मंगल, मंगलकारी। मंगल आपके अंदर जोश भरता है, आपकी हिम्मत बढ़ाता है, आपके काम करने के जज्बे को बढ़ाता है। नौ का ये अंक आपके अंदर की पोटेंशियल को दर्शाता है, फिजिकल एफर्ट्स को दर्शाता है, फिजिकल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तो यहाँ पर 18 के अंक वालों के लिए ये बात निकल कर आती है कि ये लोग कमांड बहुत अच्छा करते हैं, किसी ग्रुप को लीड बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मैनेजमेंट पावर इनकी बहुत पावरफुल है, दूसरों से काम निकालना जानते हैं। जब बात फिजिकल एफर्ट की आती है तो यहाँ पर मंगल काम करता है। मंगल रिस्क टेकर है, अपने बाहुबल का ये लोग प्रयोग करते हैं लेकिन जल्दबाजी बहुत करते हैं, अपनी बुद्धि अपने विवेक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसी कारण ये लोग दुनियादारी को नहीं समझ पाते हैं, दुनिया की राजनीति को समझने में ये लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। यहाँ पर शनि इनका कमज़ोर अवस्था में होगा तो इनमें आलस बढ़ा देगा, क्योंकि मंगल और शनि आपस में शत्रु राशि हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेंगे। अगर ये यहाँ पर मंगल और शनि की एनर्जी को बैलेंस बनाकर चलते हैं, अपने बुध को अच्छा रखते हैं तो ये अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। बात अगर इनकी अचीवमेंट्स की जाए तो ये प्रोफेशनली बहुत अच्छा अचीव करते हैं, पूरे जोश के साथ हर काम को पूरा भी करते हैं, जिस काम को हाथ में लेते हैं पूरा करके ही दम लेते हैं, बीच में अधूरा नहीं छोड़ते हैं। शनि की मेहनत, सूर्य की चमक और मंगल का जोश जहाँ इन्हें बाहरी दुनिया में एक्टिव रखता है, एनर्जेटिक रखता है, वहीं इनकी पर्सनल लाइफ में खराब सिचुएशन पैदा कर देता है। अब यहाँ शनि देव सूर्य की चमक को फीका करने का काम कर रहे हैं, जिस कारण आपकी लाइफ में संघर्ष, दुख, उदासी, तकलीफ, मेहनत, पुरुषार्थ कई गुना ज़्यादा लिखा है। अगर आप अपने काम में आलस करेंगे तो यहाँ आपका मंगल तो खराब होगा ही, सूर्य की चमक भी फीकी पड़ जाएगी। आपको यहाँ अगर शनि को अच्छा करना है तो बुध को भी एक्टिव करना होगा, खूब मेहनत करनी होगी। 18 के अंक वाले लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम को चुटकियों में हल कर सकते हैं, किसी भी टैलेंट को, ज्ञान को सीखने में बहुत ही कम समय लेते हैं, उसकी जड़ तक पहुंचने में ही सफल रहते हैं, अपने काम के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं। यदि ये लोग एक बार में एक ही लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो बहुत जल्दी और अच्छी सफलता, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करके ही रहते हैं। 18 अगस्त को जन्म व्यक्ति की सूर्य राशि है सिंह, जिसके स्वामी हैं सूर्य देव। कुंडली में सूर्य आपका जिस भी राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि होगी। अगर आपका सूर्य सिंह राशि में है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका सूर्य कर्क राशि में है तो आपको मेरी 18 जुलाई वाली वीडियो देखनी होगी, और अगर आपका सूर्य कन्या राशि में है तो आपको 18 सितंबर को मेरी आने वाली वीडियो का इंतजार करना होगा, तभी आप अपने बारे में सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है, आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा ये सूर्य राशि से हम भली भांति जान सकते हैं। यहाँ आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपनी डेस्टिनी को ध्यान में रखकर करें। हमारी बर्थ डेट हमारे नेचर को दर्शाती है, जबकि भाग्यांक जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई डेस्टिनी है हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है। इसीलिए हम सभी को अपनी सूर्य राशि और अपनी डेस्टिनी के अनुसार ही अपने कैरियर का चुनाव करना चाहिए, तभी हम लाइफ में सक्सेस, अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे 2 से 3 सेशन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा, ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 18 अगस्त को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा सा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर सूर्य और मंगल देव का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। सूर्य सत्ता और संपदा का सूचक है, हठी और नियंत्रण रखने का सूचक है, लोगों पर कंट्रोल रखने की प्रवृत्ति होती है। सूर्य तेज है, ओज है,
वर्ण इसका रक्त है, ये रक्त प्रवाह पर नियंत्रण रखता है, राजसी प्रवृत्ति है, अपमान बिल्कुल नहीं सहन कर पाता, इसे पूर्ण प्रतिष्ठा चाहिए, पूर्ण सत्ता चाहिए, छोटी छोटी बातें भी पूरे शिष्टाचार के साथ व्यवस्थित रूप से चाहिए। इनके प्रारंभिक जीवन में भले ही सफलता देरी से या रुकावट से हो सकती है, लेकिन 35 से 36 वर्ष के बाद ये अपनी सफलता की ओर अग्रसर भी होने लगते हैं। सूर्य और मंगल दोनों ही आपस में मित्र राशि हैं, दोनों ही अग्नि तत्व राशि है। सूर्य तेज है, राजा है, शक्ति का प्रतीक है, और वही मंगल भी पराक्रम को दर्शाते हैं, सेनापति हैं। सूर्य के समान भी इनमें बल है, इसे सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है कि आपको राजा के समान बना देता है, पावरफुल बना देता है। राजा और सेनापति अब दोनों मिलकर आपको एक ही दिशा में खींचने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों में आक्रामकता देखी जा सकती है, पूरे जोश और जुनून के साथ ये लोग कार्य करते हैं, यहां तक कि जोखिम लेने से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि दोनों तत्व एक ही दिशा में मिलकर कार्य कर रहे हैं, इसीलिए पॉजिटिव रिजल्ट भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति खेल की दुनिया में अच्छा नाम कमा सकते हैं, क्योंकि ये लोग काफी एनर्जेटिक होते हैं और हर खेल में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे टीम लीडर साबित होते हैं, क्योंकि इनमें लीडरशिप क्वालिटी जन्मजात होती है। इन लोगों में अपना बाहुबल दिखाने का पूरा मौका मिलता है, लेकिन देखा अक्सर यही गया है कि ये लोग अपने मान सम्मान को बहुत ही ज्यादा अहमियत देने लगते हैं, अपनी पावर को ज्यादा से ज्यादा लोगों पर इस्तेमाल करने लगते हैं, लोगों पर अपना रौब दिखाकर अपना काम निकलवाने लगते हैं। लोग इनका सम्मान तो करते हैं, लेकिन इनसे डरते भी हैं और एक दूरी बनाकर रखने लगते हैं, और यही बात इनके प्रेम संबंधों में और इनकी फैमिली लाइफ में भी देखी गई है। अपनी फीलिंग्स को ये किसी के साथ भी खुलकर व्यक्त नहीं करते हैं, इनके करीबी भी इनके नजदीक जाने में 10 बार सोचते हैं। हाँ, मेहनती बहुत होते हैं, हार्ड वर्कर हैं, काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, क्योंकि मंगल के कारण अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ये खुद ही फिजिकल वर्क करते नजर आते हैं, जबकि सूर्य तो सिर्फ कमांड करना जानता है, वो खुद से काम नहीं करता, लेकिन यहां मंगल के प्रभाव के कारण ये लोग फिजिकल वर्क भी स्वयं करते हैं, क्योंकि इनके मन में शुरू से ही ये बात दिमाग में भरी होती है कि ये मेरा काम है, मुझे इसे खुद से ही पूरा करना है। ऑनेस्ट होते हैं ये लोग, ट्रांसपेरेंट हैं, क्लेवरनेस भी नहीं है, मैनिपुलेट करने वाली आदत भी नहीं है इनमें, बात को घुमा फिरा कर नहीं बोलते, साफ क्लियर बोलते हैं, एकदम क्लियर कट, कोई बात अच्छी लगी है तो अच्छा बोलेंगे, बुरी लगती है तो साफ मुंह पर ही खड़ा बोल देंगे। घर परिवार हो या फिर वर्क प्लेस, हर जगह ये अपनी चलाते हैं, अपनी सोच समझ, अपने डिसीजंस, अपने एक्शन के साथ आगे बढ़ना ये पसंद करते हैं। हाँ, इन लोगों में हीलिंग पावर भी काफी जबरदस्त होती है, बहुत ही हेल्पिंग नेचर होती है, स्पेशली अपने फ्रेंड्स और फैमिली की मदद के लिए दौड़े चले जाते हैं, एक तरह से उन्हें प्रोटेक्ट करने का जिम्मा ये अपने ऊपर लेकर रखते हैं, काफी केयरिंग होते हैं उनके लिए, कभी कभी तो ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं, इवन कई बार तो ये अपने पार्टनर को स्पेस तक नहीं देते, जिस कारण इनके संबंधों में नेगेटिविटी भी देखने को मिलती है, और अगर उस सिचुएशन में इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए तो ये आसानी से हो जाएंगे। वैसे ज्यादा बड़ा ये सोचते नहीं है, परिवार के साथ रहना, उनके संग टाइम स्पेंड करना ये पसंद करते हैं। अगर आपका सूर्य और मंगल कुंडली में अच्छी पोजीशन में हुआ तो ये सभी बातें देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही ये लोग समाज में भी पॉजिटिविटी लाने का काम करते हैं। अगर सूर्य या मंगल कमजोर स्थिति में हुए तो इन लोगों में आत्मविश्वास की कमी देखी जा सकती है, दुर्घटना होने की संभावना भी इनके साथ सबसे ज्यादा लगी रहती है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा, पित्त रोग, हाई बीपी, हृदय संबंधी समस्याएं इनके साथ लगी रहती हैं, फ्रस्ट्रेटेड बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि बात बात पर चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना इनके स्वभाव में देखा जा सकता है। इनका अहंकारी और गुस्सैल स्वभाव इन्हें चिड़चिड़ा तो बना देता ही है, साथ में ये बात बात पर लड़ने को उतारू हो जाते हैं, जिससे परिवार में अक्सर कलह का वातावरण बना रहता है, धीरे धीरे लोग इनसे कन्नी भी काटना शुरू कर देते हैं। कुंडली में आपके सूर्य और मंगल की स्थिति कैसी है, वैसे ही आपको यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका सूर्य कैसा है, आपका मंगल कैसा है, ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी अच्छे और खराब सूर्य और मंगल के लक्षण वाली मेरी इन वीडियोस को दूसरे चैनल पर, एस्ट्रोलॉजी के मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोगों को यहाँ अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना सीखना होगा, तीखा और ज्यादा मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए, सुबह शाम की सैर, व्यायाम, सूर्य नमस्कार आपके लिए बेहद जरूरी है।
बजरंगबली की हमेशा चरण में रहें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। इन सब के बावजूद परिस्थितियां अगर ऐसी हो जाएं कि कुछ समझ ना आए तो काउंसलिंग की मदद भी अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। आप लोगों के मित्र अंक बनते हैं 1, 2 और 3। 1 का अंक सूर्य देव, 2 का अंक चंद्रदेव और 3 का अंक गुरुदेव। आपके सम अंक समान अंक हैं 6 और 7, यानी कि 6 का अंक शुक्रदेव और 7 का अंक केतु। आपके शत्रु अंक होते हैं 4, 5 और 8। 4 का अंक राहु का, 5 का अंक बुध देव और 8 का अंक शनि देव का। आप लोगों की शुभ तिथि है 9, 18 और 27। आपके शुभ दिन शुभवार है ट्यूसडे, थर्सडे। आपके लिए शुभ रंग होता है लाल, लाल के सभी शेड्स, गुलाबी, पिंक कलर, मैरून कलर, नारंगी कलर, ऑरेंज के सभी शेड्स, जितना ज्यादा हो लाइट शेड प्रयोग में लाएं। आप लोगों की दोस्ती और कंपेटिविटी उन लोगों के साथ अच्छी और अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 मार्च से 27 अप्रैल, 21 जुलाई से 27 अगस्त और 21 अक्टूबर से 27 नवंबर के मध्य जन्मे लोग। इस समय के बीच में अगर आपके साथी का जन्म 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। इसके अतिरिक्त 21 फरवरी से 27 मार्च, 21 जून से 27 जुलाई और 21 नवंबर से 27 दिसंबर के मध्य जन्मे लोगों के बीच आपके विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर आप इस समय के बीच में 9, 18 या फिर 27 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड है। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।